नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं, खबरें तेज देखते हैं एक्सप्रेस 100 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम की अध्यक्षता में अहम फैसले पर मुहर लगाते हुए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गेहूं का एमएसपी 150 रुपये बढ़कर 2275 रुपये से 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरसों का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 5950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि चने का एमएसपी 210 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में किसान कल्याण नीतियों के लिए भारी समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2025 के बीच एमएसपी में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकारों की तुलना में मोदी सरकार ने कई गुना स्तर पर एमएसपी पर फसलों की खरीदारी कर किसानों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को भी मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9448 करोड़ रुपए जोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल सह सड़क पुल यातायात क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा, जिसे 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हैं। इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी को बढ़ाया है। इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। वहीं गंगा नदी पर एक नए रेल सह सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को मिली मंजूरी पर पीएम ने लिखा कि गंगा काशीवासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में गंगा पर एक रेल सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। इससे तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और यहाँ के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही रोजगार और कारोबार के नए नए अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 2642 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि इस परियोजना के तहत रेलवे नेटवर्क का 30 किलोमीटर विस्तार हो जाएगा। उन्होंने देश में कनेक्टिविटी को निरंतर बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसानों के हित में बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर गेहूं, चना, सरसों समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उत्पादन का उचित दाम दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का किसानों ने स्वागत किया। हरियाणा के जींद जिले के किसानों ने कहा कि इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें काफी फायदा होगा। और 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का हमीरपुर के किसानों ने भी स्वागत किया है। हरियाणा में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी की भारी जीत के बाद बुधवार को पंचकुला में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि नायब सिंह सैनी ही फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई गई। हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भाजपा के पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को शुभकामनाएं दी।
विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद नायब सिंह सैनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य नेताओं ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और विधायकों द्वारा समर्थन पत्र सौंपा। नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। नायब सिंह सैनी गुरुवार को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह करीब 11 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा और सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। इस बीच हरियाणा सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मीडिया कर्मी के परिवार में एक से अधिक सदस्य पेंशन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि इससे पहले परिवार के केवल एक ही सदस्य को पेंशन की सुविधा उपलब्ध थी। बुधवार को जम्मू कश्मीर को भी नई सरकार मिल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा सकीना इट्टू और जावेद राणा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार अनवर पर फूल चढ़ाए और इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री उमर अब्दुल्ला जी को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर अब्दुल्ला ने शपथ तो ले ली लेकिन उससे पहले ही उनकी सहयोगी कांग्रेस ने उनको झटका दे दिया। कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अन्य नेता उपस्थित रहे। गुरुवार को चंडीगढ़ में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए लगभग एक दशक बाद पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में अपना भाषण दिया तो इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को जमकर सुना भी दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद तीन बुराइयां हैं जिनका समाधान नहीं किया गया तो सहयोग और एकीकरण का फायदा हासिल नहीं हो सकेगा। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चार्टर में यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चुनौतियां क्या हैं। ये मुख्य रूप से तीन हैं जिनका मुकाबला करने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध है। ये हैं आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यदि सीमा पार से आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो इनसे व्यापार, ऊर्जा, प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलने की संभावना नहीं है। एससीओ काउंसिल की 23वीं बैठक में एस जयशंकर ने इशारों इशारों में पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी होने का महत्व भी समझा दिया। विदेश मंत्री ने कहा यदि विश्वास की कमी है या सहयोग नाकाफी है, अगर दोस्ती में कमी आई है और अच्छे पड़ोसी होने की भावना कहीं गायब है तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। एससीओ के समक्ष चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ का मकसद आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना, बहुआयामी सहयोग विशेष रूप से क्षेत्रीय प्रकृति के सहयोग को विकसित करना है। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि संगठन का लक्ष्य संतुलित विकास, एकीकरण और संघर्ष की रोकथाम के मामले में एक सकारात्मक शक्ति बनना है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों को सहयोग, परस्पर सम्मान और संप्रभुता के साथ साथ समानता पर आधारित भावना को ध्यान में रखनी चाहिए और इसके लिए यह जरूरी है कि सभी सदस्य देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए और एक पक्षीय एजेंडे पर किसी भी देश को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संगठनों में सुधार की जरूरत पर भी जोर देते हुए इसे अधिक समावेशी, पारदर्शी, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया।
बाद में विदेश मंत्री ने आउटकम डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारत ने इन चर्चाओं में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया। इससे पहले एस जयशंकर ने पाकिस्तान स्थित इंडियन हाई कमीशन कैंपस में सुबह की सैर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा देते हुए एक पौधा भी लगाया। विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्ष परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं। ये 9 साल में किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। खबर कर्नाटक से, जहां मोडा यानी मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मैरीगौड़ा के इस्तीफे के बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर अब हमलावर है। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को जमीन घोटाले में सिर से पांव तक लिप्त बताया और फौरन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं मॉरिटोनिया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं। मॉरिटोनिया में हमारे भारतीय भाई और बहन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मॉरिटोनिया में लघु किंतु जीवन और सक्रिय भारतीय समुदाय के बीच उपस्थित होना मेरे लिए वास्तव में प्रसन्नता और सम्मान की बात है। दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने में भारतीय समुदाय की भावना और योगदान को देखकर मैं गौरवान्वित। मेरे साथ हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुकांत मजुमदार जी, श्री और संसद सदस्य श्री अतुल गर्ग और श्री मुकेश कुमार दलाल भी हैं, और हम अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन लेकर यहाँ आए। भाइयों और बहनों, मॉरिटोनिया के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मॉरिटोनिया और भारत की संस्कृति में अनेक समानताएं हैं, जैसे कि पहनावा, विशेषकर महिलाओं के परिधान एक जैसा है, पूर्वजों के लिए सम्मान है, पारिवारिक संबंध मजबूत है, संयुक्त परिवार है, बच्चों को सामाजिक मूल्य सिखाया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि मॉरिटोनिया में भारत में बने फिल्में, टीवी धारावाहिक और भारतीय परिधान पसंद किए जाते हैं। मॉरिटोनिया के कई दशक बॉलीवुड के सितारों और उनकी फिल्मों को पसंद करते आते हैं। ये सराहनीय है कि भारतीय समुदाय इस देश के सामाजिक ताने बाने में रच बस गए हैं और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ मॉरिटोनिया के विकास और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप सबका योगदान महत्वपूर्ण और अनमोल। भाई और बहनों, मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आज हमारे संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1940 में मॉरिटोनिया की स्वाधीनता के बाद भारत की ओर से मॉरिटोनिया की ये पहली राजकीय यात्रा है। आज मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और मॉरिटोनिया के विशिष्ट मंत्रियों से मैं मुलाकात करूंगी। बातचीत के दौरान मैं विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा करूंगी, जिसके लिए दोनों पक्षों को प्रयास करना है। भारत मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से मॉरिटोनिया की विकास यात्रा में योगदान दे सकते हैं। आप सभी सहयोग की इस प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में लगातार सकारात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारत अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि और विकास कर रहा है। भारत वर्तमान में दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आशा है कि वर्ष 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमारे जीडीपी विकास दर में लगातार वृद्धि हो रही है।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से लेकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का स्वरूप लेने तक भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत सरकार द्वारा इनोवेशन और इंक्लूसिवनेस पर ध्यान केंद्रित करने से ये बदलाव हो रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे पहल का हमारे लाखों नागरिक लाभ उठा रहे हैं और इससे वैश्विक सहयोग के अवसर उत्पन्न हो रहा है। हम वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारा प्रवासी परिवार इस प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। मैं आप सभी से इस विकास यात्रा के द्वारा अपने देश से जुड़े रहने और इसमें भागीदारी करने का आग्रह करती हूँ। आपके कौशल, विशेषज्ञता और अनुभव भारत की प्रगति के लिए मायने रखते हैं। इसके अलावा इस देश में आप सब भारत के दूत, ऐसे तो हम लोगों का दूत है, लेकिन आप लोग भी एक एक दूत है। और आप दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के आपके कार्य सराहनीय है। हमें इस मित्रता और सहयोग को बनाए रखना है, साथ ही पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध भी बनाने हैं। भाइयों और बहनों, भारतीय समुदाय का सदा सहयोग करने के लिए मैं मॉरिटानिया की सरकार और इस देश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपके समावेशी और स्वागत भाव से ही भारतीय समुदाय यहाँ फल फूल रहा है और समृद्ध भी हो रहे हैं। मुझे आशा है कि आप अपना अच्छा काम जारी रखेंगे और भारत मॉरिटानिया संबंधों को बेहतरी के लिए अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित करेंगे। मैं आगामी वर्ष में आपके सभी प्रयासों के लिए सफलता और समृद्धि की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे थे जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारतीय समुदाय है उनके एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं और इसी दौरान पहले वो अल्जीरिया के दौरे पर थी और इसके बाद अभी वो मॉरिटानिया के दौरे पर हैं और वहां पर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर रफ्तार के साथ खबरों को आगे बढ़ाएंगे एक्सप्रेस 100 में। छुरियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सारी छुरियां भर देती है, बार हम बार कर देती है। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। नई सुबह नई शुरुआत DD न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे
डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान, देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभात। स्वागत है ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं रफ्तार के साथ। भाजपा ने दावा किया कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती पीएम पर जमीन आवंटन में कथित अनियमितताओं के विवाद के बीच चिमुड़ा के अध्यक्ष मरिगौड़ा ने इस्तीफा दिया। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने मुड़ा के लेखाधीक्षक पी चंद्रशेखर की आत्महत्या का भी जिक्र किया। भाजपा ने आरोप लगाया कि बेल्लारी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए प्रत्येक लोगों को 200-200 रुपए दिए गए थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में पहले IFQM के वेलिडेटरी सेशन में शिरकत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के जीरो डिफेक्ट के साथ आगे बढ़ने की बात की। भारत आगामी 3 से लेकर 6 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 7वें सत्र की मेजबानी करने जा रहा है। अब जल्द ही एमपॉक्स की स्वदेशी जांच किट उपलब्ध होगी। ICMR ने एमपॉक्स के टेस्ट के लिए 3 टेस्टिंग किट बनाने को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन के लिए रक्षा समझौता किया। इससे तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता और भी बढ़ जाएगी। BPIT ने कारोबार को आसान बनाने के लिए कुकवेयर बर्तनों और डिब्बों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में छूट की घोषणा की है। रामपुर की MP MLA कोत ने पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण भी दस्तक दे रहा है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते तक के लिए टल गई है। बिहार के सिवान जिले में जहरीला पेय पदार्थ पीने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कई राज्यों कर्नाटक, पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के बंगाल भवन के बाहर एक बार फिर से डॉक्टरों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने बुधवार को नोएडा स्थित ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी BESIL और मारवा स्टूडियो का दौरा किया। 58वें इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपो का बुधवार को ग्रेटर नोएडा में आगाज हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहा है। घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत में लगातार 3रे दिन गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 77,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 71,090 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं मुंबई में 24 कैरेट सोना 77,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 70,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिका।
भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 318 अंक लुढ़ककर 81,501 पर बंद हुआ और निफ्टी 25,000 के नीचे चला गया। सेबी 19 नवंबर को मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स, सोमंगल इंडस्ट्रीज और फाल्कन इंडस्ट्रीज इंडिया की 15 संपत्तियों की नीलामी करेगा। ये कदम सेबी द्वारा कंपनियों द्वारा मानदंडों का उल्लंघन करके निवेशकों से एकत्र किए गए धन की वसूली के प्रयासों का हिस्सा है। टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्षों में 5,00,000 निर्माण नौकरियों का सृजन करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। सरकार ने साल 2032 तक तिलहन उत्पादन को 64% बढ़ाकर 20.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य रखा, जो वर्तमान में 12.3 मिलियन टन है। अमेजॉन के मुताबिक कॉरपोरेट गिफ्टिंग में 134% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल ऑर्डर में 95%, जबकि खरीदारों की संख्या में 107% की बढ़ोतरी हुई है। काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से लेन देन में 106% का उछाल आया है। साथ ही यूपीआई से लेन देन भी 60% बढ़ा है। भारत में साइबर सुरक्षा नौकरियों में 14% की वृद्धि हुई है। इंडीड की रिपोर्ट में सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के लिए ये डेटा जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिनों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में वो मॉरिटानिया पहुंच गई है। ट्रैकिंग के दौरान नेपाल के माउंट धौलागिरी पर जान गंवाने वाले 5 रूसी पर्वतारोहियों के शव काठमांडू के महाराजगंज मेडिकल कैंपस पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गए। इसराइल ने हिजबुल्ला के मुख्य गढ़ और दक्षिणी लेबनान के शहर नबाती में ताबड़तोड़ हमले किए। हमले में मेजर अहमद काहिल समेत करीब 6 लोगों की मौत हो गई। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने संसद में कहा कि इसराइल अभी और भविष्य में जर्मनी की एकजुटता पर भरोसा कर सकता है और बर्लिन यहूदी राज्य को हथियार भेजना जारी रखेगा। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार उत्तर पूर्वी इंग्लैंड के न्यू कैसल में एक घर में हुए विस्फोट में 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। हालांकि विस्फोट का कारण पता नहीं चल पाया। नाइजीरिया के जिगावा राज्य में पेट्रोल टैंकर विस्फोट में 100 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना माजिया कस्बे में हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में 2 गांवों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के क्षेत्र में क्रास्नी यार और लुहान्स्क क्षेत्र में नेस्के पर कब्जा किया है। पूर्वी तुर्की के माल्टिया प्रांत में भूकंप के 30 झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 5.9 नापी गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है। बेंगलुरु टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ा, टॉस भी नहीं हो पाया। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने आईसीसी रैंकिंग्स में रेटिंग पॉइंट के मामले में नई उपलब्धि हासिल की है। पहले टेस्ट में खेली गई 262 रन की पारी के दम पर 932 रेटिंग अंक उन्होंने हासिल किए। 4 दशक में पहली बार एशेज सीरीज का पहला मैच गाबा में नहीं खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि की कि इस बार एशेज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा। दिल्ली में जारी निशानेबाजी विश्व कप में भारत के एक और पदक जीता है भारत ने। भारतीय निशानेबाज अखिल शेरोन ने पुरुषों की राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। अखिल ने 452.6 अंक के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। इससे पहले मंगलवार को सोनम बस्कर ने रजत पदक जीता था। 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह अवसर खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। NRAI के महासचिव कुंवर सुल्तान सिंह ने भारत में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की। देशी खेल खो खो का विश्व में तेजी से प्रसार हुआ है। पहली बार इस खेल का विश्व कप आयोजित होगा और भारत में मेजबानी होगी। विश्व कप में 24 टीमें खेलेंगी। दिल्ली में 13 से लेकर 19 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि खो खो का खेल 2032 के ओलंपिक में भी अपनी जगह बना ले। भारत की त्रिशा जौली और गायत्री जो गोपीचंद की जोड़ी को डेनमार्क ओपन के महिला युगल के राउंड ऑफ 32 में हार का सामना करना पड़ा। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन के अगले दौर में जगह बना ली है। चीनी ताइपे की खिलाड़ी बीच मैच से ही रिटायर हो गई। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बोलीविया को 6-0 से मात दे दी है। अर्जेंटीना की ओर से लियोनेल मेसी ने यह हैट्रिक लगाई। ये मेसी की 10वीं अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक है। जीत के बाद अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी क्वालिफाइंग ग्रुप के शीर्ष पर है।
चेल्सी के पूर्व मैनेजर थॉमस टुकल को इंग्लैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया कोच चुना गया है। पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म मैच फिक्सिंग का सेंसर्ड मोशन पोस्टर जारी हुआ, 15 नवंबर को फिल्म थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार है। द गेम बिहाइंड द सैफ्रन टेरर किताब पर आधारित है मैच फिक्सिंग की यह कहानी। फिल्म में विनीत कुमार सिंह, अंजू साठे और मनोज जोशी अभिनय कर रहे हैं। तू झूठी मैं मक्कार के निर्माता अंकुर गर्ग को स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी प्रोडक्शन कंपनी लव फिल्म से भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान के लिए यह सम्मान मिला। अंकुर गर्ग ने फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की अधिकतर शूटिंग स्पेन में ही की थी, इसीलिए उन्हें स्पेन के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया। पैन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए साई दुर्गा तेज ने हनुमान के निर्माताओं से हाथ मिलाया। उन्होंने नए प्रोजेक्ट STD-18 की पहली झलक शेयर की। और इसी के साथ आज के एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। नमस्कार।